नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। दो युवती से संबंध बनाकर अबॉर्शन कराने वाला आरक्षक गिरफ्तार। सगाई कर दहेज में लिया कैश और सोने की अंगूठी, फिर शादी से मुखरा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक युवती ने 7 साल तक संबंध बनाने और 2 बार गर्भपात कराने वाले आरोपी पुलिस आरक्षक विकास की शर्वानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने 3 दिन पहले SP जितेंद्र शुक्ला से शिकायत की थी। आरोपी ने युवती से सगाई कर दहेज में कैश और सोने की अंगूठी लेने के बाद शादी करने से मुकर गया था। युवती ने बताया कि 7 साल पहले साल 2016 में उसकी मुलाकात बुधवारी निवासी विकास केशरवानी से हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। आरोपी युवती से शादी का वादा कर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच वे 2 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन आरोपी ने उसका गर्भपात करवा दिया। दहेज लेने के बाद की थी सगाई लेकिन नहीं की शादी। युवती ने जब युवक पर शादी का दबाव बनाया तब युवक ने दहेज की मांग रखी। युवती के परिवार वालों ने आरोपी युवक को 4 लाख रुपए, बुलेट गाड़ी सहित सोने के आभूषण दिए। इतना सब कुछ करने के बाद युवती ने युवक से सगाई की। सगाई के बाद लगातार युवती ने शादी का दबाव बनाया लेकिन आरोपी युवक टालता रहा। दूसरे अफेयर को लेकर युवती को हुआ शक। युवती ने को शक हुआ कि उसके मंगेतर का संबंध किसी और के साथ भी है, तब उसने उससे बात करने की कोशिश की। आरोपी युवक ने बात करने से मना कर दिया। इसके बाद युवती को आरोपी के मोबाइल से एक फ़ोन नंबर के बारे में पता चला जो किसी और लड़की का था। युवती को पता चला कि आरक्षक ने उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए और गर्भपात भी करवाए है। कोरबा CSP भूषण इक्का ने बताया कि युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने गरियाबंद में पदस्थ आरोपी आरक्षक विकास केशरवानी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।